أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. صدق الله العظيم. قال ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا نبي الله ما كان اول بدي امري قال دعوت ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورات امي انه يخرج منه نور اذاءت منها قطور الشام رواه احمد. एक शायर है गैर मुस्लिम जिनका नाम है हरिचंद अख्तर. उन्होंने क्या खूब कहा, किसने जर्रों को उठाया और सैकड़ा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सैकड़ा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया. जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर. मुसलमानों ये मिसरा गौर से सुन लो. जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर. अल्लाह अल्लाह, किसने मौत को मसीहा कर दिया. शौकते मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसिम, शौकते मगरूर का किस शख्स ने तोड़ा तिलसिम, मुनहदिम किसने इलाही कसर किसरा कर दिया. किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम, और गुलामों को जमाने भर का मौला कर दिया. आदमियत का गर्व सामा मुहैया कर दिया, आदमियत का गर्व सामा मुहैया कर दिया. एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया. एक गैर मुस्लिम शायर हरिचंद अख्तर, उन्होंने कहा है. गुज़श्ता जुमा को मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अर्ज़ किया था कि आपने फरमाया कि मैं अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा हूँ, और वो दुआ कुरान के सूरह बकरा आयत नंबर 129 का मैंने हवाला भी दिया था, तफसीली बात किया था उस पर. दूसरी चीज़ आपने जो फरमाई कि मैं हज़रत ईसा मरियम की बशारत हूँ, उस ताल्लुक से भी मैंने सूरह सब की आयत नंबर 6 का हवाला दिया था. एक और हवाला मैं देता चलूँ कि मसीही किस तरह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतज़िर थे. हबशा का वाकया अगर आप हज़रात को नहीं मालूम है तो पढ़िए, तारीख का मुताला कीजिए. जिन मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत किया था, फिर कुरैश मक्का ने उनके पीछे लोगों को भेजा और बनाने के लिए, और जब वो नज्जाशी के दरबार में मुसलमानों का वक्त हाजिर हुआ तो हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत ही बलीग अंदाज में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से अर्ज किया, और हज़रत ईसा इब्ने मरियम के ताल्लुक से भी अर्ज किया. जब आपने हज़रत ईसा इब्ने मरियम के ताल्लुक से अर्ज किया तो नज्जाशी ने कहा कि मरहबम बिकुम व बिमन जीतुम मिन इंदी, तुम्हारा आना मुबारक हो और उसका जिसके पास से तुम लोग आए हो. अशहदु अन्नहु रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि वह अल्लाह के रसूल है. व अन्नहु अल्लज़ी नजिदु फिल इंजील, और वो जाति वाला सिफात है जिनको हम अपनी इंजील में पाते हैं. व अन्नहु अल्लज़ी बशरा बिही ईसा इब्ने मरियम, और वही वो जाते वाला सिफात है कि जिनकी बशारत हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी.
और यही वजह है कि नज्जाशी जो है हल्का वो से इस्लाम हो गया था, और जब उसका इंतकाल हुआ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा भी गायबाना अदा की। ये एक बहुत बड़ी जो है दलील है कि इनके जो मजहबी पेशवा थे वो मुंतजिर थे, जानते थे। उसके अलावा जो लोग दुनिया के कामों में मशगूल रहा करते थे, जिनको फुर्सत नहीं मिलती थी कारहाए दुनिया और उमूर सल्तनत से, वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जानते थे कि हमारी मजहबी किताब में आपकी बशारत दी गई है और आप वही हैं जिनकी बशारत दी गई। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 400 और जिल्द नंबर 187 और 188, तो बहुत तफसील मिल जाएगी आपको अगर आप चाहें। मैंने जो आयत तिलावत की सूरह आराफ की आयत नंबर 157, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग उन्हें पाते हैं अपने पास लिखा हुआ कहां, तौरात और इंजील में, तौरात और इंजील में, सूरह आराफ आयत नंबर 157। लंबी आयत है, तफसील का टाइम नहीं है। इंजील के हवाले से तो बात आपके सामने आ गई, दस्तों को हमने हवाला भी दिया था कुछ। तौरात के ताल्लुक से हजरत ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खिताब करते हुए फरमाया कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिंद एक नबी बरपा करेगा। क्या फरमाया, तुम्हारे ही बीच से और तुम्हारे ही भाइयों में से मेरे ही मानिंद एक नबी बरपा करेगा। ईसाई बोलते हैं कि वो नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन गौर करने की बात यह है कि तेरे ही भाइयों से, बनी इसराइल के भाई कौन लगेंगे, बनु इस्माइल लगेंगे भाई। ये बनु इसराइल को आपने मुखातब किया है, किसी एक शख्स को मुखातब नहीं किया, ध्यान रखना। बनु इसराइल के भाई कौन लगेंगे, बनु इस्माइल लगेंगे। हजरत इस्माइल अला नबी अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा के शिकम से है, हजरत इसहाक अला नबी अलैहिस्सलाम हजरत सारा के शिकम से है, हजरत इसहाक अला नबी अलैहिस्सलाम की जो जुर्रियत और नस्ल है वो आगे चल करके बनी इसराइल कहलाएगी, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो जुर्रियत और नस्ल है वो बनु इस्माइल कहलाएगी। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात क्या फरमाया, मेरी मानिंद फरमाया, क्या फरमाया, मेरी मानिंद। हते सलाम की जो मिलाद मुबारक है, जो विलादत मुबारक है, वो खरके आदत है, वो खरके आदत है, ध्यान रखना, वो खरके आदत है, यानी जो जो विलादत का और पैदाइश का जो सिलसिला राइज है दुनिया में वो उसके खिलाफ है। ये दूसरी दलील हो गई, और बहुत लंबी तफसील है। और जो वो नबी क्या होगा, साहिब शरीयत होगा, अरे और अपना कलाम उसके मुंह में डालेगा, मतलब साहिब शरीयत होगा। हर तीसरा नबी अल्लाह तौरात ही की तस्दीक, तौरात ही की तस्दीक और तजदीद करने आए थे, ध्यान रखना इस बात को। खैर, तो ये जो है यहूदी भी मुंतजिर थे, यहूदी भी मुंतजिर थे। आप इसका हवाला देखना चाहें तो इस्तिस्ना बाब नंबर 18 आयत नंबर 15-19 तक आपको बहुत तफसीली बात मिल जाएगी, बहुत तफसीली बात मिल जाएगी। और एक बहुत बड़ी दलील तो माई सफिया खुद है, वो फरमाती है जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में तशरीफ ले आए और दोबारा कदम पड़े तो हमारे वालिद और चचा आपसे मुलाकात करने गए और मिल के आए तो दोनों ने आपस में बात की, और मेरे वालिद
चचा ने पूछा क्या राय तुम्हारी है? कहा मेरी राय तो ये कि यही नबी आखिर उस जमा है। फिर मेरे चचा ने पूछा फिर क्या इरादा है? का इरादा क्या है? जब तक जान में जान बाकी है मुखालफत करेंगे। ये मुखालफत किस बुनियाद पर थी? हसद और बुग्ज की बुनियाद पर थी कि नबी आखिर उस जमा बनू इसराइल में क्यों नहीं आए, बनू इस्माइल में क्यों आ गए। और अगर आप देखेंगे आगे तफसील देखना चाहेंगे तो ये तुब्बा का तस्किरा कुरान शरीफ में दो जगह है। तुब्बा का तस्किरा कुरान शरीफ में दो जगह है, एक सूरह काफ के आखिर में और एक सूरह दुखान आयत नंबर 137 पर। सूरह दुखान आयत नंबर 137 में अगर आप तफसील पढ़ेंगे तो बहुत सी बातें आपको मालूम पड़ जाएंगी। उसके हवाले से अगर आप सूरह सबा की भी तफसील पढ़ेंगे जहाँ तस्किरा है। तुब्बा असाद अबू कुरैब बिन मुल्क तर्ब अल यमानी, ये जो तबादिया यमन है, जो यमन के बादशाहों का ये लकब है तुब्बा, उसका नाम क्या था? असाद अबू कुरैब बिन मुल्क तर्ब अल यमानी। उसकी सल्तनत तबादिया यमन जितने गुजरे हैं सबसे लंबी मुद्दत तक कायम रही और सबसे लंबी हुई भी। वो अरब इराक और शाम अफ्रीका इन सब तौर पर उसकी सल्तनत कायम हो गई बदौर ताकत और बाजू, और उसने समरकंद तक काम के इलाके को फतेह किया और मदीना से गुजरते हुए उसने मदीना के लोगों पर चढ़ाई की। तो मदीना वालों का मिजाज क्या था? वो दिन में उससे लड़ते थे और रात में उसके जो जख्मी होते थे उनकी मरहम पट्टी करते थे। तो सोचा कि लगता हमने गलत जगह हाथ डाल दिया। फिर दो यहूदी आलिम मिल गए मदीना के, उसको कहा तुम इस शहर को फतह नहीं कर सकते। कहा क्यों? कहा कि ये नबी आखरुज जमा का दारुल हिजरा है। अच्छा, तो उसने रोक दिया और दो यहूदी आलिमों को अपने साथ ले गया और खुद यहूदी हो गया। उस वक्त ये दीने मूसवी ही दीने बरहक था और उसकी पूरी कौम दीने मूसवी के प्रस्तार हो गई। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 700 साल पहले का वाकया है। उसके बाद फिर दूसरे तुब्बा का गुजर हुआ जिसके साथ 400 यहूदी उलमा थे। ये जादुल माद और जरकारी ने बहुत तफसील से इस वाक्य को लिखा है। 400 यहूदी उलमा थे और मदीना के पास अगर गुजरा तो उन 400 यहूदी उलमा ने एक जबान होकर के कहा कि जनाबे वाला हमको यहाँ बसने की इजाजत दी जाए। उसने कहा क्या तुम यहाँ पाते हो कि तुम यहाँ बसना चाहते हो, हमारी रिफाकत हमारा साथ छोड़ना चाहते हो, इतने आराम से रहते हो? तो लोगों ने कहा कि जो है ये यहाँ इस मिट्टी से नबी आखिरुज़्ज़मा की हमें खुशबू महसूस हो रही है। जो अलामतें हैं, जो निशानियां हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा का यही दारुल हिजरा होगा। तो चुनांचे उसने 400 यहूदी उलमा के लिए अच्छे मकानात बनवाए और खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ा खूबसूरत बढ़िया मकान बनाया और एक खत भी लिखा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और मकान का जिसको मुतवल्ली बनाया उसके हवाले कर दिया। कहा तुम्हारे पास जो नस्लें आएंगी वो उनको देते रहना, जो नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे तो उन तक के खत पहुंच जाएगा। उसने ये भी लिखा था कि अगर मेरी जिंदगी रहेगी तो मैं आपके साथ रहता और आपकी खिदमत करता। जैसा कि नजैशी ने कहा कि अगर मैं मुल्क के काम में मशगूल ना होता तो लाता ही तू, तो मैं उनके पास जाता। वो मुकद्दिया नारा, ये नजैशी ने कहा था जाफर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं उनके जूते को बोसा देता। ऐसे कि तुब्बा ने भी खत लिखा और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो ये सब बातें इस बात की तरफ गम्माज है कि ये सब जानते और पहचानते थे। अल्लाह ने खुद कहा कि आरिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहुम, कि नबी आखिरुज़्ज़मा को ऐसे पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं। अपने बेटे को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते, कितना गलती हुई, ऐसे नबी आखिरुज़्ज़मा को पहचानते हैं। लेकिन क्या है? बुग़्ज़ हसद इनाद कीना कपट, इस वजह से वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते हक परस्त पर ईमान लाने से रुके रहे। बहुत रहे जो समझदार थे, शरीफ नफ थे, ईमान ले आए। तो इंजील में और तौरात में जो तस्किरा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मैंने अर्ज किया। ये मैं अर्ज कर दूं कि ये बातें मैं इसलिए नहीं अर्ज कर रहा हूँ कि अहालिया सुने और उड़ा दे, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दावत के काम को आप आगे बढ़ाएं। हर शख्स अपने को दाई समझे
ये खाली मौलवियों का काम दावत नहीं है। हर शख्स अपने आप को दाई समझे और अपने मिलने जुलने वालों तक जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पहुंचाने की कोशिश करे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह के यहाँ भी तुमसे कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा और दुनिया में रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर होगी। जैसे कि बहुत से इलाकों में जिन लोगों ने दावत को करके काम को छोड़ दिया, रुसवाई उनका मुकद्दर हो गई। मैं दावत के मायने से बात कर रहा हूं। और एक बात अर्ज कर दूं, मैं अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी अपने वक्त के बहुत मशहूर आलिम है, उनकी एक बहुत मशहूर किताब है, उसका नाम है हयातुल हैवान। उसके जिल्द नंबर एक सफा नंबर 79 और 80 में उन्होंने तस्करा किया है अल्लामा इब्ने खल्कान के हवाले से। मैं कहना चाहता हूं कि अरब के ये यहूदी और ईसाई तो मुंतजिर थे ही, अरब के बद्दू भी नबी आखिरुज़्ज़मा के मुंतजिर थे। अरब के बद्दू भी नबी आखिरुज़्ज़मा के मुंतजिर थे। कुछ लोगों ने सफर किया किसी मुल्क के बादशाह के पास गए जिसके पास पुरानी किताबों का इल्म था। उसने जब देखा कि लोग मक्का के इलाके से आए हुए हैं, अरब के हिजाज के इलाके से, तो कहा एक नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। उन्हें तो अपने घरों को वापस आए फिर रहे, तो उसमें दो तीन लोगों ने जब अपनी बीवियों का हमला देखा तो ये कहा कि मेरी जिंदगी रहे तो ठीक है, मर गया तो कोई जिंदगी रहे तो मैं खुदा रखूंगा, और मर गया तो बच्चा जो पैदा हो तो उसका नाम क्या रखना, मोहम्मद। क्या नाम रखना, मोहम्मद। चुनांचे अल्लामा इब्ने खल्कान ने लिखा कि तीन लोगों का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद बिन सुफियान बिन मजाशे, ये फरजदक के जद्दे अमजद बनते हैं, और मोहम्मद बिन गुहैहा बिन जल्ला, ये ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब के मां शरीफ भाई हैं, और मोहम्मद बिन हमरान बिन रबीआ। ये नाम क्यों रखा, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा के मुंतजिर थे, गायब की हालत के बद्दू भी नबी आखिरुज़्ज़मा के मुंतजिर थे, और ये था कि ये नाम उनका नाम मोहम्मद होगा तो हो सकता हमारा लड़का ही वो नबी आखिरुज़्ज़मा हो जाए, इस ख्वाहिश और आरज़ू में नाम रखा। अब चलिए आगे बात करते हैं हम बर्रे सगीर की, आगे बात करते हैं हम बर्रे सगीर की, जहां रहते बसते हैं आबाद होते हैं नसर वादा नसरी, जहां इस्लाम उस वक्त पहुंचा जबकि मुसलमानों का कोई फौजिया नहीं आया था। बहुत बड़ा इल्जाम है लेकिन हकीकत यह है बर्रे सगीर में इस्लाम की किरणें उस वक्त पहुंची है जबकि यहां मुसलमानों का कोई फौजी और अन्य सिपाही भी नहीं आया था। कबर की आप तफसील पढ़िए मालूम पड़ेगा आपको कि राजा मालीबार ने मौजूदा शक्तुल कबर को अपनी सर की दो आंखों में देखा और तफसील आगे है। फिर कैसे कैसे करके ये मान ले आया हो, कोई फौजी आया था, कोई लश्कर आया था, शमशीरों सनार और घोड़ों के पुश्तों में सवार होकर के आए थे। इस्लाम की मुबारक किरणें उस वक्त यहां पहुंची है जबकि यहां इस्लाम और मुसलमानों का कोई नुमाइंदा भी नहीं आया था। राजा मालीमार ने मौजूदा शक्तुल कमर को अपनी दोनों आंखों से देखा और बाद में होकर के ईमान ले आए। इतने की इल्जाम है कि कैसे कैसे लोगों को तो जबरन इस्लाम में दाखिल किया गया। इस्लाम जब को पसंद ही नहीं करता तो दिल का मामला है। ये हमारे जो भाई हैं, यकीनन जिनका मजहब बहुत पुराना है और बहुत कदीम है, ये भी अंतिम ऋषि के मुंतजिर है, ये भी अंतिम ऋषि के मुंतजिर है जिसको कल की अवतार बोलते हैं। लेकिन बनु इसराइल के की तरह ये भी उसी मर्ज के शिकार है जिस मर्ज के बनु इसराइल शिकार है, क्योंकि जो तारीख कहती है इनमें जो मगध है, जो क्रीम तत्ता है, जो अपने आप को सबसे आला कहता है, वो ईरान के उर के इलाके से आकर के यहाँ कैसे कैसे आबाद हो गया और फिर यहाँ पश्तो ताश के मालिक बन गया, और यहाँ का जो मूल निवासी है वो सब बेगाम के लिए पकड़ लिए गए, जंगलों में आबाद में भगा दिए गए। और मूल निवासियों की औरतों को कभी ऐसा भी था कि उनकी सीनों को ढकने की भी इजाजत नहीं थी, वो जब चलते थे तो उनको कहा के हांडी बांध के रखो, पीछे झाड़ू बांध के रखो, जो असली बाशिंदे यहाँ के थे। तो लोग चूंकि वहीं से असल आने वाले हैं तो जरासीम तो मौजूद ही है कि बर्तरी हमारी है, सब कुछ हम है,
हम दूसरे को फौकियत क्यों दें या दूसरी बिरादरी में किसी आने वाले शख्स को हम अपना नुमाइंदा क्यों तस्लीम कर लें। यही वजह है कि ये किताब मेरे हाथ में जिसका नाम है कल्की अवतार, ये किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, किसी मुसलमान ने नहीं लिखी है, इसको लिखा है डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय ने, और इनके बड़े बड़े मजहबी शोरबाओं ने अपनी राय का इसमें इजहार किया है और इनकी बात से इत्तेफाक किया है। आज से 30-40 साल पहले किताब लिखी गई है, और कल्की अवतार का मतलब क्या है, माफिया जुलमत नबी, दोनों ने मतलब बयान किया कि तारीकी को खत्म करने वाला, रोशनी लाने वाला। लेकिन चूंकि इनके पुराणों में, जिन पुराणों में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा है, तो क्या कह दिया इन्होंने, क्यों वो पुराण सब मुस्तरद नहीं है, उसमें रद्दो बदल हो जाए। क्या मुस्तरद नहीं है, तो मोतबर नहीं है, उसमें सब रद्दो बदल हो जाए। ये क्यों कह दिया, ताकि कहीं वो इल्म जो है आम ना हो जाए और हमारे भाई सब हल्का लोगों से इस्लाम ना हो जाए। बहुत ही सत्य मत से उन श्लोकों का और उन पुराणों का इनकार कर दिया है, उनकी मोतबरियत पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें तस्किरा है नबी आखिरुज़्ज़मां का, सब भर्रा मार के कहीं उधर ही ना चले जाए। यह अजीब बात है, क्योंकि यह कौम भी अपने आप को क्या कहती है, जैसे यहूदी बोलते हैं जब अल्लाह के बेटे उसके चहेते हैं, दुनिया की सारी और बरतलियां और फौकियत और बड़ाई हमारे लिए है, ये भी वही कहते हैं कि सबसे बड़े हम हैं, बाकी सब हमारी बेगार के लिए पैदा किए गए हैं। तो हसद और गुण और ताली और बरतई के इसलिए भी शिकार है, इसलिए हल्का मगोर से इस्लाम नहीं होते हैं। बहुत सी अन्य जानते बहुत है और हमसे ज्यादा जानते हैं नबी आखिर समा के बारे में। तो मैं मुख्तसरन जो आज कर दूं आगे कुछ हवाले के साथ, ज्यादा टाइम नहीं है। ये हिंदू मजहबी पुराणों में जिसका तस्करा मोहम्मद का जिक्र किया गया है, अहमद का भी जिक्र किया गया है। ये जो कल्की जो है इसका एक तर्जमा मोहम्मद भी करते हैं और अहमद भी करते हैं। अगर मोहम्मद संस्कृत में जो है इसका मतलब क्या होगा, तारीफ करने वाला या जिसकी तारीफ की जाए। अगर तारीफ करने वाले आप लेते हैं तो अरबी में क्या बनेगा, अहमद। से पूछना अहमद जो है इसमें तकदीर का सेरा है, सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला, अगर माने फाइलियत की ज्यादती हो तो, और अगर माने मकबूलियत की ज्यादती हो तो जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, अल्लाह की मखलूक में जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। तो कल्की का माना क्या हो गया, अहमद और मोहम्मद। अगर मोहम्मद है तो जिसकी खूब तारीफ की जाए। चुनाचे बात जो है असहाबे लोगों ने कहा कि मोहम्मद बाबे तफकीर से है, हत्ता तक्की, जिसके हर हर जुज की तारीफ की जाए, जिंदगी के हर लम्हात की तारीफ की जाए, बदन के एक हिस्से की तारीफ की जाए, बाल के एक सिरे की तारीफ की जाए, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, सिनेमा बादल में आने से लेकर के रोजे रोजे अकदस में आराम फरमाने तक जितने लम्हात है सब की तारीफ की जाए। अब आगे किसके पेट से पैदा होंगे, सोमनी के पेट से पैदा होंगे। किसके पेट से, सोमनी। मुझे अफसोस है कि मैं इस जबान नहीं जानता हूं, जबकि इस जमाने में उलमा को भी जानना चाहिए और तमाम लोगों को भी अपने बिरादरान वतन की जबान जाननी चाहिए ताकि दावतों तबलीग में आसानी हो। जो लोग अभी नई उम्र में है या जो बड़ी उम्र में है जो जबाने सीख सकते हैं, सीखने की कोशिश करें ताकि दावत का काम आसान हो सके। सोमनी के पेड़ से पैदा होंगे। अब ये सोमनी जो संस्कृत कलम है जिसका मतलब क्या है, अमन वाली, अमन वाली। अब अगर आप सोमनी का जो तर्जमा उर्दू में अमन वाली हो गया, अगर आप उसको अरबी में ले जाएंगे तो क्या होगा, आमीना। क्या होगा, तो जनाब रसूलुल्लाह की वालिदा मुहतरमा का नामे नामी इसमें गिरानी क्या है, आमीना है। फिर आगे तीसरी बार इनका जो ये श्री दस अवतार के श्लोक नंबर 10 में क्या है कि कल्की जो है विष्णु यास नामी के घर पैदा होंगे, विष्णु यास नामी के घर पैदा होंगे। अब ये विष्णु का मतलब संस्कृत में क्या होता है, खुदा। क्या होता है, खुदा। और यास का मतलब क्या होता है, बंदा। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम क्या है,
बताओ तुम्हारे इनका क्या नाम भाई मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा हुजूर का क्या नाम है? अब्दुल्लाह। क्या नाम है? अब तुम्हारे बंदा और अल्लाह खुदा है कि नहीं है? तो इनके जो पुराणों में जो पेशे गोइयां सब बिल्कुल आग पर साबित आ रही है कि विष्णु यास के घर पैदा होंगे यानी अब्दुल्लाह के घर पैदा होंगे, सोमी के शिकम से पैदा होंगे यानी हजरत आमिना के बकरे मुबारक से पैदा होंगे, और आगे बता दो मैं कहां पैदा होंगे। संबाला, कहीं संभल लिख करके आता है, कहीं संबाला लिख करके आता है कि इलाके और गांव में पैदा होंगे। अभी जो संबाला जो संस्कृत में किसको बोलते हैं? अमन वाली जगह को, उसको बोलते हैं। और पूरे हिजाज में, पूरे अरब में जो अमन वाली जगह जो क्या थी? मक्का थी। क्या थी? ये मुश्रिकीन कुफार उस वक्त भी उसका एहतराम करते थे, उसको क्या दारुल अमान, दारुल अमान। तो जब अमन वाली जगह में पैदा होंगे संभाला, वो क्या है? मक्का। और आप कहां पैदा हुए? मक्का में पैदा हुए। फिर आगे क्या कहा? वो कल की जब आएगा तो अच्छा दौर शुरू होगा, अच्छा जमाना शुरू हो जाएगा, बुराइयों को खत्म करेगा, तारीखियों को खत्म करेगा, जुल्मत को खत्म करेगा, जलालतों गुमराही को खत्म करेगा, जुल्म जाति को खत्म करेगा, हत्याओं को खत्म करेगा, और औरतों पर जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करेगा। चुनांचे जो जिंदा बच्चों को दरगोश कर लिया करते थे वो बच्चियों के हाफिज बन गए और बच्चियों की खिदमत करके जन्नत के हकदार बनने वाले बन गए कि नहीं बने। फिर आगे क्या था? कल की आखिरी अवतार होगा, ये ध्यान रखो इस बात को, कल की आखिरी अवतार होगा इस दीन की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। मतलब क्या है? जो अंतिम ऋषि आएगा यानी नबी आखिरुज़्ज़मा, उसके बाद कोई अवतार आने वाला नहीं है, कोई पैगंबर आने वाला नहीं है, कोई नबी आने वाला नहीं है। तो पता क्या चला कि जो कदीमी मजाहिब है, जो कदीमी मजाहिम है, वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मुंतजिर थे। और कदीमी मजाहिब में वो मजाहिब जो अपने अलावा पूरी दुनिया को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, उनकी भी मजहबी किताबों में नबी आखिरुज़्ज़मा का तज़किरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नबी आखिरुज़्ज़मा की ये खूबियां और ये सिफात अपने भाइयों तक यानी बिरादरान वतन तक पहुंचाने वाला बनाए। अगर हम पहुंचाने वाले बन गए तो जिगर ने क्या खूब कहा है कि लाख सितारे हर तरफ जुल्मते सब जहां जहां, यानी हजारों सितारे निकले हो फिर भी तारीकी और अंधेरा रहता है। लाख सितारे हर तरफ जुल्मते सब जहां जहां, इन तुलुए आफ्ताब दस्तो चमन सहर, जब सूरज निकल आता है तो हर जगह रोशनी फैल जाती है। और वो सूरज निकल आया किस शक्ल में? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, जिसके सब के सब मुंतजिर थे, जो जितने लोग और जो भी मुंतजिर थे या जो मुंतजिर नहीं थे वो सब के सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने वाले बन जाए। हम तमाम लोगों की, बड़े बूढ़ों की, बच्चों की, नौजवानों की, हर एक की यही कोशिश होनी चाहिए और हमारी जिंदगी का यह मिशन होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी का मिशन नहीं है तो दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, राय से रहते हैं, मर जाते हैं और जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, हम ही इन लोगों में से हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने जनाब सुल्ला सल्लम की जिंदगी को आम करने की कोशिश की तो हमारा मकाम और मर्तबा बुलंद होगा, हमारी नस्लों की अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में इज्जत और शर्त रखेगा और आखिरत में इंशाल्लाह उनके